और अफसोस ये कि ये काम मर्दों ने तो किया ही किया जुल्म करके, औरतों ने भी इसको ऐसे कबूल कर लिया। उन्होंने भी यही समझ लिया कि असल काम तो बाहर रह के करना था जो हम नहीं कर पा रहे। और ये अलग बात है कि औरतें जो घर के अपने इस काम को परफेक्ट तरीके से कर ले, अब ऐसी बहुत सी औरतें हैं कि जिनके बच्चे कम हैं, बच्चे बड़े हो गए, अब उनको टाइम मिला या वो बच्चों के साथ साथ बाहर काम भी करने की कुछ सलाहियत रखती हैं हुदूद में रह के, शरी पर्दे में रहकर, अब वो बाहर जाएँ और बाहर वो काम करें, मसलन तिब में, किसी ऐसी फील्ड में कि जिसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहें, करें जिस भी मस्बत कामों में लगें। ये एक्स्ट्रा काम था, ये आउट ऑफ द वे जाके फ़र्ज के अलावा का काम था, और इससे फिर माशरे में मज़ीद बरकत होती है, फ़ायदा होता है, बशर्ते कि उसका मेन जो ऑब्लिगेटरी स्टफ़ है, जो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें वो मास्टरी हासिल कर चुकी हो, उसमें परफेक्शन हो, फिर ये जो ऑप्शनल काम है इसके करने का फ़ायदा था। अब हमने इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, अब औरत इस काम को हकीर समझते हुए बाहर जाके तो काम करना बहुत इज्जत का, यानी उसमें ये काम भी करना वो पसंद कर लेती है कि जिसमें शरीयत का हुक्म टूटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों की खिदमत करके फ़ायदा उठाती है, पैसा कमाती, तो पैसा चूंकि मकसूद हो गया तो अब उस पर राजी है। घर के अंदर शौहर की खिदमत, औलाद की खिदमत, सास ससुर को खिलाना पिलाना, माँ बाप को थोड़ा दो वक्त का खाना दे देना, ये उसको शाक गुजरता है, बुरा लगता है, और इसके मुकाबले में जहाज़ में, ट्रेन्स में, होटलों में वो वेटरेस का काम करना, एयर होस्टेस का काम करना कबूल करती है। वो टिल पे खड़ी होकर लोगों को पैसे ले दे के सामान बेचना, दुकानों पे ऐसे काम करना, कस्टमर सर्विस में लगना जिसमें खिदमत है, वो करके पैसे मिलते हैं तो इसको कंट्रीब्यूशन समझती है कि मैं इस तरह कमा के अपने घर में माल ला रही हूँ। वो काम जो उसके ऊपर लागू नहीं किया गया था, इसको वो अहमियत देती है, समझती है कि कुछ बहुत अच्छा काम है ये, मैंने कंट्रीब्यूट किया है, इसमें फ़ख्र महसूस करती है, अपने आप को एक प्रोफेशनल बना के, अब उससे आगे निकल के बॉडी बिल्डर बना के, क्रिकेटर और फुटबॉलर बना के, टॉप लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मिस वर्ल्ड बन के, हुस्न में हो या किसी और चीज़ में हो, डांस में हो, गाने में हो, किसी भी ऐसी सूरत में अपने आप को वो ये साबित करने पर, लगाने पर तुल गई है कि किसी तरह से पता चल जाए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मर्दों से कम नहीं हूँ और औरतों से कम नहीं हूँ। तो अपने उस फितरत के तकाजे, अपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल साइडलाइन करके अब उसका फोकस ये है कि किसी तरह वो मर्द की जॉब डिस्क्रिप्शन पे पूरी उतरे। तो अगर वो उस पर पूरी उतर भी जाए, जो ऑप्शनल काम था उसके लिए, लेकिन ऑब्लिगेटरी काम में कमजोरी दिखाए, कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो, तो कामयाब नहीं होगी। इसलिए आप देखें कि इन चारों खवातीन जिनका मैंने ऊपर तस्करा किया, हज़रत खदीजा, हज़रत आसिया, हज़रत फातिमा, हज़रत मरियम, इन तमाम खवातीन का कंट्रीब्यूशन घर के अंदर है। आप ढूंढ के निकालिए कितनी अहादीस इनसे मरवी हैं, फ़िक और हदीस में, कुरान की तफसीर में इनके कितने अकवाल हैं, हज़रत खदीजा के, हज़रत फातिमा के, कितना इन्होंने बाहर निकल के काम किया और कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने अपने शोहरों को सपोर्ट किया, अपने बेटों को तैयार किया, तमाम सहाबियात का यही कंट्रीब्यूशन आपको सबसे अहम नज़र आएगा। जिन इक्का दुक्का का बाहर कोई कंट्रीब्यूशन नज़र आता है, वो है कि तो उम्र में ऐसी हो गई कि औलाद नहीं है, या औलाद है तो तैयार होकर कामों में लग चुकी है, अब फारिग है, तो इस फारिग औकात में अपनी जिम्मेदारी से फारिग होने के बाद अब उन बच्चों की तरबियत में लग गई जो बाहर है माशरे में है, जिनकी ज़रूरत है, टीचिंग में लगी तब भी ठीक, मेडिसिन में लगी तब भी ठीक, सोसाइटी की हेल्प किसी तरह से कर सकती थी कि शिफा के तरीके पर, ना तो मेरे फारूक ने लगा दिए काम में, फलां को उस काम में लगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मेयार बनाना, ये क्राइटेरिया हो लोगों के अच्छे और बुरा होने का, इससे ज़्यादा जुल्म और कुछ नहीं हो सकता कि हमने लोगों को उनका मकसद गलत बता के उस काम में लगा दिया जो एक्चुअल नहीं है, और इसको डिग्रेड किया। तो अब वो औरत जो नहीं भी चाहती घर से निकलना, वो इसलिए निकलती है कि अगर मैं नहीं निकलूँगी तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे,
चुनाचे कुछ पढ़ ले बेचारी, स्कूल चली जाए, कॉलेज चली जाए, कुछ डिग्री ले ले, उसके बाद तो अगर वो घर पे बैठे तो हर आदमी आके, आपने डॉक्टरी कर ली और आप घर पे बैठी हो, आप सारी सलाहियतें ज़ाया कर ली, आप सारा वक्त क्या कर क्या रहे हैं, आप खाली घर में बच्चे पाल रहे हैं। तो लोग इस पर तो राजी हैं कि उनके बच्चे कोई नैनी संभाल ले, कोई केयर होम संभाल ले, कोई चाइल्ड माइंडर आके देख ले, लेकिन वो उस खिदमत को करना नहीं चाहती। बल्कि अब तो उससे और कदम आगे बढ़ा कि माँ बनना खुद एक ऐसी हकीर चीज़ और घटिया चीज़ समझी जाने लगी कि ज़्यादा बच्चे होना, जिसको शरीयत में फ़ख्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे फ़ख्र होगा क़यामत वाले दिन ऐसी औरतों से शादी करो कि जो वलूद हों, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हों, यानी जिनके ख़ानदान से पता चलता हो कि इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, ऐसी माँ के लिए बड़े रुतबे बयान फरमाए गए। अब हमारा फैशन क्या है कि बच्चे हों ही ना, अगर हो तो इक्का दुक्का हो, और अब इससे भी आगे बढ़कर ये हो कि वो बच्चे भी अगर किसी सरोगेसी के तहत किसी और के रहम में हो जाए तो बहुत अच्छा है, इससे भी जान छूटी, वो तकलीफ़ ही बर्दाश्त ना करना पड़े, ऑपरेशन से काम चला ले, किराए पे ले ले किसी का रहम। तो हम तो इतने घटिया हो गए और इतना गिर गए हैं अपने उस मकसद को जिसके लिए हमें पैदा किया गया था, उससे हट गए। और मर्दों का भी हाल ये है कि वो अपनी नौकरियां छोड़ के अब घर में बैठे हुए डोल मनी पे चल रहे हैं और बाकी औरतों को खिदमत में लगा दिया, औरतें घरों में काम कर रही हैं और ये घर में बैठे हुए नशा कर रहे हैं उसके पैसे पर। जो ज़्यादा पॉश हो गई हैं औरतें, वो बाहर बहुत हाई फाई कमा रही हैं, इधर मर्द जो हैं घर में बैठे हुए बच्चे पाल रहे हैं। अपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को रिवर्स कर दिया, जो उनसे तकाजा था अल्लाह की तरफ से, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उससे पीछे हट के दूसरा काम कर रहे हैं, इसलिए कि अपना काम हकीर नज़र आने लगा, दूसरे का अपीलिंग लगने लगा। ये वो कैओस है, लॉपसाइडेडनेस है, जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि क़यामत के करीब हर काम उल्टा सीधा हो जाएगा, सीधा उल्टा नज़र आएगा, उल्टा सीधा नज़र आएगा, जो आगे वो पीछे समझ में आएगा, पीछे हर चीज़ को हमने अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक बदल दिया, तब्दील कर दिया, तो चीज़ें अपने दायरे से निकल के ख़राबी की तरफ चली गई। तो हमारे लिए ये सवाल बहुत अहम हो गया कि कोई बच्ची या कोई बच्चा ये समझे कि एक औरत की ज़िंदगी का मकसद माँ बनना है, बच्चे पालना है, तो ये हमारे नज़दीक, दीनदार लोगों के नज़दीक, दीन की फ़िक्र रखने वालों के नज़दीक ये एक गाली है, गंदी बात, गलत बात है, ये प्रॉब्लम है, इसको सही करना चाहिए, इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। इस तरह का ख्याल अगर उनका हुआ तो बड़ा अचंभा है, तो बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे कैसे सोच सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आज की औरत, आज की बच्ची जो बड़ी हो रही हो, वो इस तरह ख्याल करे, उसके जहन में ये आ जाए कि मैं सिर्फ माँ बनने के लिए, मैं दुनिया में सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं बच्चे पालूँ, बच्चे जनूँ, ये करूँ, घर में रहूँ। ये बच्ची तो बिल्कुल एबनॉर्मल हुई, ये माशरा तो बिल्कुल ख़राब हुआ, ये तो उस पूरी हमारी वेस्टर्न वैल्यूज़ के ख़िलाफ़। हमें तो मर्द औरत दोनों को मिल के बाहर काम करना है ताकि हम ज़्यादा कमाएं, माशरे को अच्छा करें, ज़्यादा तनख्वाहें हों, ज़्यादा घर चले, और हमने इस तरह से उस पूरी मशीनरी का सिस्टम ही ख़राब कर दिया। आर्टिफिशियली जो कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, कमा सकते हैं, वो कमा कमा के इतना कमा रहे हैं कि उनके पास कोई लिमिट ही नहीं है, और वो पैसा कमा रहे हैं और घरों को अपना बढ़ा रहे हैं, घर का साइज़ बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है, तकाजे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई लिमिट, कोई सादगी, कोई कनात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों कमा रहे हैं, दोनों कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, कमाना चाहिए, नए नए गैजेट्स, नई नई कारें, नए नए माल, साल में दो दो तीन तीन दफ़ा छुट्टियों पे घूमने जा रहे हैं, इधर पैसा उड़ा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, शादियाँ होती हैं 40-40, 50-50, 70-70 हज़ार पाउंड एक दिन के फंक्शन पर उड़ा देते हैं, लगा देते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन यही है कि हमने दोनों हाथों से उस ज़मीन को लूटना शुरू कर दिया जिसमें एक हिस्सा हर एक के लिए मुतय्यन था। हम तो उस जानवर से भी बदतर हैं कि जो अपना हिस्सा जब ले लेता है विल्डरबीस के किसी क्राउड से, रेवड से, बारह सिंगों के किसी रेवड़ से, तो अपना हिस्सा ले के अब वो 8-10 शेर शेरनियाँ मिल के अब उसको खाते हैं, तो बाकियों को छोड़ देते हैं, अपना हिस्सा खा लेने के बाद उसमें जो बच भी जाता है और पेट पूरा न भी भरा, इतना भर गया कि सद्दे रमक हो गई, इतना हो गया कि कुछ आसरा हो गया, तो अब बाकिया हिस्सा जो है वो स्कैवेंजर्स के लिए छोड़ देते हैं,
हाइना आते हैं, उनका हिस्सा छोड़ देते हैं, वो भगा देते हैं, उनको चले जाते हैं। कुछ वल्चर्स आते हैं, गिद्ध आते हैं, उनके लिए छोड़ देते हैं, कुछ जमा करके समेट के नहीं रखते, हर एक को उसका ड्यू हिस्सा मिल जाता है। या हमने ये किया कि चूंकि हमारे पास सलाहियत है, ताकत है, तो मियाँ बीवी मिल के नोच रहे हैं ज़मीन को, इस ज़मीन से खींच खींच के जितना पैसा सेच सकते हैं, निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं, अपने आवर्स बढ़ाए चले जा रहे हैं। ज़रूरत क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, गुजारा कम में भी हो रहा था इत्मीनान से, बस बढ़ाना है। चक्की की तरह घूमे चले जा रहे हैं, पैसा बनाए चले जा रहे हैं, औलाद की नीयत से, उसकी नीयत से, इसके लिए उसके लिए लगे। और साथ साथ अल्लाह रसूल का नाम भी थोड़ा बहुत चलता रहे, थोड़ा हिजाब, थोड़ा पर्दा, थोड़ा दीन की कुछ बातें, कुछ सर्कल, ये सब भी करते रहो, सूटेड बूटेड सा इस्लाम हो, कोई टेंशन परेशानी ना आए। जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना था, इस इम्तिहान गाह में अपना पर्चा लिख के निकलना था, हमने उसी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। उस दरख्त के साए में जो हम सस्ताने के लिए थोड़ी देर लेटे थे, बैठे थे, उतरे थे, उसी में अपनी पूरी मंजिल, अपना घर, अपना महल तामीर करना शुरू कर दिया। टेम्परेरी तौर पर सर्विस स्टेशन पे रुके थे कि पेट्रोल लेंगे, टॉयलेट जाएंगे, कुछ खाना होगा तो खाएंगे और निकल जाएंगे। वहीं शॉपिंग करके डेरी डाल लिए, वहीं अपना टेंट लगा के बैठ गए। मंजिल आगे खोटी होती रहो, कोई फर्क ही नहीं, कोई टेंशन, कोई फिक्र ही नहीं। ये है दज्जाली निज़ाम और शैतान का धोखा, जो हमारे नफ्सों ने बहुत खुशनुमा बना के हमें दिखा दिया, और हम बहुत मुतमईन हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यही ऐसा होना चाहिए। दुनिया को हमने मकसद बनाया कि दुनिया रंगीन हो जाए, पुरसकून हो जाए, आफियत में आ जाए। जिन्हें तौफीक हो रही है दीन पे कुछ काम करने का भी, वो भी ये चाहते हैं कि दुनिया हमारी ऐसी स्टेबल हो जाए। इसके नतीजे में हमें चाहिए क्या, हमारा मंशूर क्या है, बिला सूद कर्जे मिल जाए, माशरे से परेशानियाँ दूर हो जाए, माशरे में नौकरियाँ धड़ाधड़ हों, सबको नौकरियाँ मिलें, किसी को कोई परेशानी ना हो, गुरबत का खात्मा कर दिया जाए, पेट्रोल बहुत हम सस्ता कर देंगे, तो हम दीनदार लोग हैं, आइए हमारे साथ, हम इंसाफ के साथ आपको ये सब चीज़ें अता करेंगे। तो मुसलमानों का पूरी ज़िंदगी का फोकस आखिरत को भी, अल्लाह को भी हासिल करने की जो कोशिश है, उसमें भी मकसद यही है कि किसी तरह दुनिया भी संवर जाए। अब इसकी वजह से बहुत कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उसका नुकसान करना पड़े, तो करते हैं, इसलिए करते हैं कि आखिरत कहीं बैक बर्नर पे चली गई, पीछे चली गई है। इसके बारे में ख्याल है कि अल्लाह तो बस दे ही देंगे, वो काम चली जाएगा, थोड़ा बहुत चल ही रहा है, असल तो बस इस दुनिया को संवारो, इसको समेटो, इसको सजाओ, इसीलिए दूसरों से चिढ़ते हैं, गुस्सा भी करते हैं, इसी बुनियाद पर कि भाई दुनिया को ख़राब कर रहा है। तो दुनिया हमारा फोकस होकर रह गई है, मादा ये जो है ये हमारे लिए फितना बन के रह गया। ज़ाहिर बात है जब ऐसे मस्क आइडियाज़ हो जाएँ, ख्याल इतने गलत और ख़राब हो जाएँ, तो उसके बाद ये उम्मीद करना कि इसलाह इससे हो सकेगी, हालात बेहतर हो सकेंगे, मुमकिन नहीं है। हालात तो बेहतर होते जब हम अपने आप को तौबा करके, रुजू करके वापस उस ट्रैक पे ले आते, जिस ट्रैक पे अल्लाह सुभान व तआला हमें देखना चाहते हैं, जो हमारा ट्रैक है, जो हमारी आखरत है, उसकी इस्लाह, उसकी फिक्र, वहाँ की कामयाबी, जब ये मकसद हो जाता तो मामलात बहुत आफियत से चलते। लेकिन अफसोस ये कि हमने हर चीज़ को दूसरे एंगल से, उल्टे तरीके से देखा है। क्या कहा जा सकता है, अफसोस ही किया जा सकता है। बहरहाल ये खुद बातें सारी की सारी बहुत अजनबी होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि लोग अल्लाह की राह में न निकलें, दावत तबलीग न करें, मैदान कारजार में न निकलें, जहाँ शरीयत के दायरे के मुताबिक इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जाने देना हो, लड़ना लड़ाना हो, ज़रूरत हो तो करें सही तरीके से, इस्लामी निज़ाम की कोशिश करें, जहाँ ज़रूरत हो जिस तरीके से शरीयत को लेकर चलें। लेकिन इन सब चीज़ों में दुनिया को संवारना, दुनिया अच्छी हो जाना, ये मकसद अगर हो जाता हो, नमाज़ें इसलिए पढ़ी जा रही हों कि इसके नतीजे में अल्लाह सुबहान तआला की रहमतें आएँ, दुनिया हमारी संवर जाए, दुनिया में इस्लामी निज़ाम आ जाए, बरकतें उतरने लगे, अल्लाह की रहमत और मदद आ जाए, एक्सरसाइज की जाए और रोज़े इसलिए रखे जाए कि उससे ज़रा वज़न कम होने लगे,
نماز میں کمر سیدھی کی جائے، سجدے میں سر لگایا جائے، تو اس سے جو ہے وہ ڈپریشن کا علاج ہو جائے اور فلاں بیماری کا علاج ہو جائے. یعنی ہم نے پورے دین میں زندگی کا جو مقصد تھا اس کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیا کہ دنیا کسی طرح سے ہماری سنور جائے، جو بھی ہو اس میں دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے آخرت کے مقابلے میں. تو ہم تبلیغ بھی اس لیے کرتے ہیں، دعوت کا کام بھی، بلاتے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف، خیر کی طرف، پڑھاتے بھی اسی لیے، پڑھتے بھی اسی لیے کہ کسی طرح سے دنیا سنور جائے. اگر یہ مقصد ہمارا رہا تو اس کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی زندگیوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے میری جنت ملے گی کس بنیاد پر، اللہ مجھ سے راضی کس طرح ہوں گے، میں کیا چاہتا ہوں یا مجھے کیا خواہش ہے وہ الگ بات ہے. دل کی بات ماننا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ دل کی بات نہ مانو، اللہ کی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ کرو. موجودہ زمانے میں ظاہری بات ہے بہت سے چیلنجز ہیں، اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح سے بچوں کو جو چھوٹے ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایجر ہو رہے ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہے، کس طرح چلایا جائے، کس طرح سکھایا جائے. اس معاشرے میں خاص طور سے ہم سے یہی وعدہ تھا کہ چیلنجز آئیں گے. اس فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا اپنی امتیوں کو. دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، مادہ پرستی کا فتنہ ہے، دنیا داری کا فتنہ ہے. علاج اس کا زہد ہے، علاج اس کا اللہ سے تعلق لگا کے دنیا سے کنارہ کشی ہے. اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو حقیقت یہ کہ ہم بہت دیر کر دیں گے اور اس کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں اٹھائیں گے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. تلخ باتیں ہیں، مشکل باتیں ہیں، ہضم بھی نہیں ہوئی ہوں گی اور ہوں گی بھی نہیں، بہت سارے لوگوں کو اس پہ بے تحاشا اشکالات ہوں گے، لیکن مجبوری ہے کہ جو بات ہم صحیح سمجھتے ہیں اپنے ناقص علم کے ساتھ اس کا اظہار کرنا، اس کا تذکرہ کرنا یہ ضروری ہے. کوئی قبول کرتا ہے کرے، فبہا و نعیمہ، نہ کرے تو اس کی مرضی. وما علینا الا البلاغ.